क्या आप भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं या आपका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है और आप लोग मंदी खाने का प्लान कर रहे हैं? देन यू शुड डेफिनेटली विजिट मंदी हाउस विच इज़ एट सईदाबाद। 20 to 25 मेम्बर्स के कॉम्बो में आपको मिल जाते हैं 3 चिकन प्लेटर, 1 चिकन मिक्स प्लेटर, मटन मंदी प्लेटर। चेयरमैन AA3 तेलंगाना न्यूज़, मोहम्मद आजम अली। बच्चा बता रहा था इन बीजेपी वालों के गुंडे आकर इतने पैसे पूछे, घर बना रहा था, उसके पिताजी को हार्ट अटैक आ गया। अरे भाइयों, पैसे क्यों दे? जनता राजनीतिक लीडरों को पैसा क्यों दे? ये सबसे बड़ा सवाल है मेरे जहन में। मैं जनता से कहना चाहता हूँ, एक पैसा किसी गुंडे को मत दे, एक पैसा किसी लीडर को मत दे। किसी के बाप की जागीर नहीं कि तुम्हारा बाल बिगाड़ सकता। नंदू बिलाल जिंदा बैठा है, आने वाले दिनों में बच्चे बच्चे को मदद करूँगा, गली गली में मदद करूँगा, और जनता का मुझे आशीर्वाद चाहिए। सभी क्षेत्र के वासियों से विनती करता हूँ, BRS पार्टी को वोट दे, डेवलपमेंट को वोट दे। हम गोशामेल कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक मॉडल असेंबली बनाएंगे, जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होगा। व्यापारियों की सुविधा के लिए भी यहाँ पे कई समस्या है, जैसे कि पब्लिक टॉयलेट्स बनाना, आजू बाजू जो भी इश्यूज हो गया हम उसे टेकअप करेंगे। चुनाव के बाद पूरे के पूरे किए जाएंगे। मैं हाथ जोड़कर जनता से विनती करना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम के झांसे में ना आए, बेफजूल नफरत की राजनीति से दूर रहे, उन्नति के रास्ते पर चले, डेवलपमेंट को साथ दे, CM साहब के हाथ को मजबूत करे। KT रामाराव जी 2 दिन में ऐलान करने वाले हैं कि इस विधानसभा को वो ग्रोथ लेटर इसको डेवलपमेंट करेंगे सिलसिला की तरह। मैं जनता से विनती करता हूँ, हमारा साथ दे, आपका आशीर्वाद होना। मुकाबला किससे आपका यहाँ? हमारा मुकाबला ऑब्वियसली BJP से है, और BJP बहुत बुरी तरह हारेंगी। बच्चा जानता है MLA ने 10 साल में क्या काम किया, क्या नहीं किया, कितने लोगों को उसने सताया, हर घर बनाने वाले से पैसे लिए। मैं पूछना चाहता हूँ राजनेताओं से, क्या कोई व्यक्ति अपना घर बनाता है तो गुंडों को नेताओं को पैसे देना? क्या आप लोग होते दोनों जनता से सताने वाले? आप लोग होते दोनों जनता से पैसे लेने वाले? एक व्यक्ति मुसीबत से ब्याज पे पैसा लेकर, बैंक से लोन लेकर, अपने सोना चांदी बेचकर अपना घर बनाता है, और इन गुंडों को सता कर, गुंडे आते हैं पैसे पूछने को। मैं गोशामेल विधानसभा क्षेत्र में करप्शन खत्म कर दूंगा, ये वादा है मेरा। व्यापारियों से डरने का जरूरत नहीं है, कोई भी गुंडा नहीं रहेगा, बड़ा बड़ा डर गोशामेल से निकाल देंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, कोई किसी को नहीं सताएंगा, राम राज लाएंगे, हर आदमी व्यापार करेगा, हर आदमी मजबूत 10-10 मंजिल अपने घर बनाएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होगी तो हम आधी रात को खड़े रहेंगे। कांग्रेस के 6 मैनिफेस्टो, आपके क्या मैनिफेस्टो रहेंगे सब? कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो क्या है, उसके कैंडिडेट का आता पता नहीं हो, मैनिफेस्टो किधर रहा समझ में नहीं आ रहा मेरे को। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, गुंडाइज्म के खिलाफ है, माफिया के खिलाफ है। भगवान का नाम लेकर लोगों को सताना, एक पीछे बच्चा बता रहा था इन BJP वालों के गुंडे आकर इतने पैसे पूछे, घर बना रहा था, उसके पिताजी को हार्ट अटैक आ गया। अरे भाइयों, पैसे क्यों दे? जनता राजनीतिक लीडरों को पैसा क्यों दे? ये सबसे बड़ा सवाल है मेरे जहन में। मैं जनता से कहना चाहता हूँ, एक पैसा किसी गुंडे को मत दे, एक पैसा किसी लीडर को मत दे। किसी के बाप की जागीर नहीं कि तुम्हारा बाल बिगाड़ सकता। नंदू बिलाल जिंदा बैठा है, आने वाले दिनों में बच्चे बच्चे को मदद करूँगा, गली गली में मदद करूँगा, और जनता का मुझे आशीर्वाद चाहिए। BRS का गोशामेल का सेपरेट एक मैनिफेस्टो बना, तुम बोल के बोलो गोशामेल BRS का मैनिफेस्टो बन चुका है। 18 तारीख को KT रामाराव जी के हाथ से उसका उद्घाटन कराएंगे। आप हमारे मैनिफेस्टो में देखेंगे हम कितनी जनता की सुविधा के लिए हमारा प्रोजेक्ट है, हमारा प्लान क्या है, हमारे आइडियाज क्या है, हमारी आइडियोलॉजी क्या है। जनता हमारे को आशीर्वाद देंगे, मुझे भरोसा है बहुत भारी मेजोरिटी से जीतेंगे हम। जब मैं स्टार्टिंग से आपको डालना बल्कि चारी, तो जनता में बहुत ज़्यादा प्यार है मुझ पर। मैं जनता से विनती करता हूँ, व्यापारियों से राष्ट्र विनती करता हूँ, आप सब मुझ पर बनाए रखिए आशीर्वाद। धन्यवाद। जय तेलंगाना।